میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا کہ جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے, جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے, جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے, جتنے اسلام ارے امن اب جو شیر آ رہا ہے میڈیا کے آر کے میڈیا ہو چاہے پاورفل ہو چاہے ارمان ہو سب شریک کر لیجئے گا سارے حضرات کو. یہ ایسا شیر ہے ایمان کا تھرمامیٹر بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اکبر بھائی اتر پردیش الحمدللہ. اچھا اچھا ماشاءاللہ بھائی اکبر صاحب زندہ باد. یہ بھی شریک ہو جائے ملاحظہ فرمائے کہ جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے ہم نے دنیا کو. جگہ دے دیجئے گا یہ شیر عجیب سا ہے بھیڑ ہو جائے گی ہے انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے دنیا کو مسلمان سپاہی دیں گے کہ شرط یہ ہے کہ شریک ہو جائے علماء اکرام کہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے. ہر شرط یہ ہے حکومت کی توجہ ہو جائے. ارے گونگے بھی بابری مسجد کی گواہی دے گے. یہ منظر عام پر یہ نظامت اس وقت سے تہلکہ مچا رہی ہے. پوری اردو دنیا آپ کو سماعت کر رہی ہے. مفتی معروف راہی صاحب خطابت جتنی اچھی ہے اس سے کہیں بہتر خدا کی قسم آپ کی نظامت ہے. مگر موڈ میں آ جائے تک پیش کرتا ہوں ایک موڈ بنانے کا مطلب پیش کرتا ہوں. شریک ہو جائیے گا تمام برادران وطن بھی اس میں شریک ہے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمان کہ سنور جائے اللہ 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 سنور جائے. آپ لوگ بول دیں انشاءاللہ سنور جائے گا مطلب کہ سنور جائے سنور جائے سنور جائے سنور جائے اگر کردار سنور جائے اگر کردار سنور جائے اگر کردار بول ہو جائے. توجہ چاہو گا مصرعہ معاشرہ اور یہ چار مصرع کہ سنور جائے اگر کردار سنور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سنور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سنور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے
समझ जाए अगर किरदार मीठा बोले हो जाए महलवाणी के लोग नहीं, मैं सिर्फ महलवाणी के लिए तारीफ करूं, तमाम लोग आए हुए हैं, ये तो इनका सब वादा है कि महलवाणी के जलसे को कामयाब कर रहे हैं, वरना इनके गांव में जलसा रहता है, अपने ही जलसे में कामयाब करते जलसे को, मगर ये आपका आला जर्फ है, आला जर्फ को सलाम पेश करता है दिल खैराबादी, और ये शेर पेश करते हुए सब मुझे देखिएगा, इंशाल्लाह खुद ब खुद मिसरा आपको समझ में आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाए कि सबर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। हारी मुफक्किर हयात साहब और हजरत मुफ्ती मारूफ भाई साहब के साथ आने वाले अफ़ान सल्लमहु, इनके तमाम दोस्तों की तरफ से मुदस्सिर साहब ये शेर हाजिर करता हूँ। अजीब सा शेर है ये, जब पढ़ता हूँ तो मेरा सर खाली हो जाता है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए किरदार हो जाए, किरदार हो जाए मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए, मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए। शरीफ हो जाइएगा कि भिखारी को, अल्लाह सुनिएगा कि भिखारी भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है, भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है, भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है, भिखारी को बिठा दे नाराज हो तो ताज भी कशकोल हो जाए, खुदा नाराज हो तो ताज भी कशकोल हो जाए। और मैं जानता हूँ कि ये इलाका देवबंदी बरेली सभी हजरात का इलाका है। एक बड़ा मैसेज आप यूट्यूब पे देखे होंगे, अगर इजाजत हो तो वो मैसेज यहाँ भी मैं आपके सामने पेश करूं, मगर एक शर्त है, शर्त ये है कि आप मेरी नज्म के साथ, मतलब नज्म का है, नज्म का हवाला देते हुए एक एक शख्स जो है मेरे साथ सफर करेगा मिस्र में। शरीक करता हूँ अगर ये नज्म का मतलब देवबंदी बरेलवी
सबको मिटाने वाला बन जाए, तो एक एक हाथ से मैं चाहूंगा कि सुभान अल्लाह की सदा के साथ हाथ फजा में बुलंद करता हुआ नजर आए। इस्तकबाल कीजिएगा उड़ीसा की धरती पर मासूम तूर में। आर के मुशायरा मीडिया इस बात की गवाही दे सकता है कि वहां खुदा की कसम आप जितने तादाद में है इसका एक हिस्सा था, मगर आज भारी तादाद मिली है। तो बड़ा मैसेज बड़े लोगों के नाम करने जा रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। मुफ्ती साहब शरीफ हो जाए, बहुत से बरेली हजरात मुझसे नाराज चलते हैं। आइए दिल खैराबादी एक मतला हाजिर करता है, उनको अपने करीब करता है या खुद उनके करीब जाना चाहता है। पेश करता हूँ थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाए कि मुझको लाइन लगा दीजिएगा। ये मदरसा के तशरीफ फरमा तमाम तलबा इकराम शरीफ हो जाए मुलाहिजा फरमाए। बाग बारा वाले मुलाहिजा फरमाए कि मुझको मसे लगे, और दीजिए और पहुंचाना है ये सुनकर कि मुझको मसे लगे, मुझको मसे लगा नहीं रो सकते। मैं तो मजहब बचाने चला, भी शरीफ हो जाए ऐसा फरमा कि मुझको मसलक नहीं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, मजहब नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, सबको सब से मिलाने जला हो। इस
इलाके के बहुत सारे हजरात, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई कहीं भी किसी कारखाने में काम करने वाले हैं, आइए उन तमाम मजदूरों की तरफ से एक शेर पैगाम के तौर पर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाले। मुफ्ती फारूक भाई साहब शरीफ हो जाए आपके मुलाहिदा फरमाए कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, अल्लाह जो कहूंगा कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे के कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे के एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते। कारखाने से घर की तरफ मैं, कारखाने से घर की तरफ मैं पांव माता दबाने चला हूँ, घर की तरफ मैं पांव माता दबाने चला हूँ, दबाने चला हो। अगर इजाजत हो आपकी तो एक शेर और पढ़ दूं। मैंने दो शेर पढ़ा, अब हम शेरों के दरमियान एक शेर जो कि गुलामी का इसमें पूरा अक्सर आता हुआ नजर आएगा मुलाहिदा फरमाएं। नजर नजर ना था क्या प्यारा प्यारा, नजर नजर ना था क्या प्यारा प्यारा, कि पांव रखना नहीं था गवारा, नजर नजर ना था क्या प्यारा प्यारा, पांव रखना नहीं था गवारा, सर के बल, सर के बल मुस्तफा की गली में, सर के बल मुस्तफा की गली में मैं बहाने बहाने चला हूँ, दोबारा मारिए दिल में, दोबारा दोबारा था क्या प्यारा प्यारा नहीं था गवारा,
सर के बल मुस्तफा की गले पे मैं बहाने बहाने।